भाई मेरे को तो लग रहा है आज मैं बबल हो जाऊंगा। एक्यूमुलेटेड इन्फो देखो भाई साहब, क्रेटा है क्या है ये? अभी एवरेज देखो आप, अभी जो एवरेज आ रहा है निकल के वो आ रहा है 21.8 का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। नहा धो के बिल्कुल हो चुके तैयार, अभी टाइम हुआ 6:50। आज का प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि कई दिन हो गए थे यार बाहर नहीं गए, तो मैंने कहा कहीं बाहर चलते हैं नाश्ता वास्ता करने के लिए। बाकी आप समझ ही गए होंगे, अभी ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम बना है तो अभी जा रहे हैं मुरथल। मस्त पराठे वराठे कुल्लड़ चाय वाये सब करेंगे, बस अभी निकल रहे हैं 2-4 मिनट में, और निकलते निकलते आपको बताइए 5-10 मिनट हो जाती है। भाई अभी पहुंच चुके हैं जनकपुरी, जनकपुरी के फ्लायर पे है फिलहाल हम, और जैसे कि आपको बताया था हम जा रहे हैं मुरथल। तो यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना कि भाई हमारी ट्रिप तो हो रही है, लगा तो दो काम हो जाएंगे, पहला तो बढ़िया ब्रेकफास्ट हो जाएगा और दूसरा भाई क्रेटा का ना माइलेज टेस्ट कर लेते हैं इसका, अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी का। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फिलहाल इसकी ट्रिप रिसेट कर दी है, और ट्रिप रिसेट करने के बाद में फिलहाल जो गाड़ी चली है वो अप्रोक्स चली है 5-5.5 किलोमीटर, तो फिलहाल का एवरेज इसका 15 किलोमीटर पर लीटर का आ रहा है। पीछे ना जाम था बहुत ज्यादा, उत्तम नगर में बहुत पूरा फुल पैक रहता है। देखेंगे कि कितना इसका एवरेज आएगा, आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर से तो ऊपर ही जाएगी हमारी जो आज की रन होगी, उसमें पता चल जाएगा। एक चीज का आज मैं कहूंगा मतलब पॉजिटिव भी है नहीं भी है, पॉजिटिव ये है कि और नेगेटिव भी है कि आज मतलब कोहरा नहीं है। भाई मैंने सोचा था कि यार कोहरा दिखे और बढ़िया मतलब ट्रांजिशन सा दिखाएंगे, एक स्लोमो वीडियो दिखाएंगे उसमें से गाड़ी ऐसे गुजर रही होगी लेकिन आज मौसम बिल्कुल मतलब काफी दूर की विजिबिलिटी आप देखोगे ना बहुत दूर तक आपको दिख रहा है, कोहरा है नो डाउट लेकिन दूर तक दिख रहा है, तो विजिबिलिटी बहुत बढ़िया आज की, तो इस वजह से थोड़ा हमारा टाइम भी आज कम ही लगेगा। चलते हैं फिर ऐसे ही, अभी तेल डलवा रहे हैं पेटीएम, पेट्रोल डलवा के निकलेंगे, गाड़ी में थोड़ा फ्यूल कम था, बस हो गया निकलते हैं। मस्त आएंगे हम डुबचक। चलो भाई आपको एक सरप्राइजिंग सी चीज दिखाता हूँ, मैं खुद भी सरप्राइज हो गया भाई। फिलहाल आप देखो मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, देखो स्पीडोमीटर के अंदर, यहाँ पे जो ट्रिप का एवरेज है ना, ट्रिप अभी 16.5 किलोमीटर की हुई है, और करंट में जो एवरेज आ रहा है ना गाड़ी का वो आ रहा है 18.6 KMPL का, यानी देख रहे हो अप्रोक्सीमेटली 19 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है गाड़ी। और फिलहाल मैं आपको ड्राइविंग का सिनेरियो समझा देता हूँ कि फिलहाल क्या है, मतलब गाड़ी की ओवरऑल पोजीशन क्या है। हम भाई दो बंदे हैं गाड़ी के अंदर, और उसके अलावा आप देखो एसी हीटर दोनों बंद है, गाड़ी के चारों शीशे रोल अप कर रखे हैं मैंने, बीच में कभी कभी हीटर चलाया था जब ज्यादा मतलब क्या है कि थोड़ी ठंड सी हो गई थी, ठंडी थी गाड़ी तो उस टाइम पे चलाया था, वैसे तो बंद ही है। और अब मैं मतलब ड्राइविंग की बात करता हूँ कि ड्राइविंग कैसी हो रही है। भाई ड्राइविंग का ऐसा खुली रोड है ना, मैं अभी तक 100 तक भी मैं गया था एक्सीलेट करके, और वैसे तो ओनर एवरेज जो मैं चल रहा हूँ 80 के अप्रोक्स चल रहा हूँ फिलहाल, तो क्योंकि यार सब जगह कैमरे लगे हुए, ज्यादा तेज चला भी नहीं सकते, फिर चलाना आ जाएगा घर पे जाने से पहले ही। तो अभी ऑन एन एवरेज का ये है कि भाई मैं चल रहा हूँ 80 पे 100 पे, और फिलहाल आप देखो एवरेज बढ़ रही है 19.2 की हो चुकी है एवरेज 19.3। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना एक्यूमुलेटेड इन्फो दिखा रहा हूँ, मतलब ये ओवरऑल एवरेज दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ तक की एक होती करंट एवरेज, करंट की जो एवरेज आप देखोगे ना, आप देखो 21.5 की है भाई, रियली 21.5 की एवरेज है, मतलब मेरा दिल ऐसे खुश हो गया ना भाई, मैंने जो गाड़ी जो सरप्राइज बुक करा रखा है मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में क्या करूँ, 21.6 का एवरेज हो चुका है, ये मतलब बड़ी खुशी की बात है यार कि इतना तकड़ा एवरेज दे रही है गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी यार। उसके पीछे का एक मतलब बिगेस्ट कारण, दो कारण है मेरे को जो लगता है, एक तो BS6 और
और दूसरा 6 स्पीड ये गियर बॉक्स जो है, ये दो कारण इसके पीछे गए, बाकी देखते हैं चलो अभी आगे क्या मिलता है। तो भाई मेरे को तो लग रहा है आज मैं बावल हो जाऊंगा, कैमरामैन पीछे से सारे कर रहे हैं, ना जी बावल मत होना। तो भाई बावल होने के पीछे कारण है एक्यूमुलेटेड इन्फो, देखो भाई साहब क्रेटा है क्या है ये, 21.2 की एवरेज आ रही है एक्यूमुलेटेड में, और 28 किलोमीटर ड्रीवन अभी हो चुकी है गाड़ी, और 28 किलोमीटर में 21.2 की ये मतलब ओवरऑल समरी है, 21.2 ऑन एन एवरेज भी पहुंच चुकी है गाड़ी। और हाँ पर इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है, देखो कि जब से चलाऊं रुका नहीं हूं, जब से चलाऊं एसी हीटर नहीं चलाया, और जब से चलाऊं ट्रैफिक जैम में बहुत कम फंसा हूं, मतलब ओवरऑल ना चल ही रहा हूं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 21.3 हो गए कि हाँ अगर जैसे गाड़ी चल रही है ना भाई, तो जो मेरी ओवरऑल ट्रिप अगर निकल के आएगी ना, रुकना चलना जैम वैम सब मिला मिलू के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑन एन एवरेज गाड़ी मतलब 19 तो कहीं गए नहीं, एवरेज 18 से 19 के बीच का एवरेज दे देगी, और इतना दे दे पेट्रोल में भाई और क्या चाहिए, बल्ले बल्ले है। जो बोलूंगा भरोसा करोगे, जो दिखाऊंगा उस पर तो करोगे, देख लो 22.1 का एवरेज है भाई साहब, 22.1 का, और गाड़ी अभी चली है 36 किलोमीटर। भाई 22.6 के एवरेज के साथ में हम पहुंच चुके मुरथल, अपने मुरथल। तो भाई आज दिल खुश कर दिया इसने, 22.7, अरे क्या जान लेगी हम बच्चे की। लो भाई मुरथल भी हम पहुंच गए। तो भाई 22.8 किलोमीटर लीटर के एवरेज के साथ में हम उतर चुके नीचे फ्लाईओवर से, मुरथल पहुंच चुके भाई। आज जाएंगे सेवा ढाबा, मस्त पियेंगे सेवा ढाबा की चाय, इतनी बेहतरीन चाय होती है सेवा ढाबे की भाई साहब, आप बस क्या बताऊं मैं, कभी भी मौका मिले सिवा ढाबे की चाय जरूर पियो, और क्रेटा जरूर खरीदो यार, 22.8 एवरेज दे रही है, साला किसी से मांग के ले जाओ चलाने के लिए, एवरेज तो बढ़िया मिल जाएगा। अबे ये क्या कर रहे हो, ऐसे कौन रोक साइड लाता है बेटा, आ गए लो आ गए सिवा ढाबे पे हम आ गए। नाश्ता तो हो गया है और अब चल रही है चाय पे चर्चा। तो आजकल भाई देश में ये बहुत फेमस हो रहा है चाय पे चर्चा का, तो चाय पे चर्चा करते हैं चलते चलते चाय की चुस्कियों के साथ में। तो भाइयों आजकल चाय पे चर्चा बड़ी फेमस हो रखी है इंडिया में, तो चाय की चुस्कियों के साथ चाय पे चर्चा करते हैं। तो भाई फिलहाल का अपडेट ये है, मस्त नाश्ता हो गया है भाई, जैसे हमने बताया था आपको सिवा ढाबे पे आए हैं। तो यार फिलहाल की एक अपडेट ये है कि भाई गाड़ी पहुंच चुकी है 23 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज पे, तो भाई मजा बहुत आ रहा है आज। और आप देखो यहाँ पे ना कोहरा कैसे बढ़ गया है, पीछे तो खाली कोहरा कुछ भी, और मेरे पीछे आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि भाई पूरा कोहरा हो रखा है। मेरे को अब ये उम्मीद है कि जब हम जाएंगे ना आगे हमें और ज्यादा कोहरा मिलने वाला है। भाई क्या हुआ था, जो ट्रिप हमने चालू की थी वो चालू की थी थोड़ा आगे चलने के बाद में, तो अभी जो गाड़ी ड्राइव की है हमने वो करी है 50 किलोमीटर, तो अभी क्या है कि ओवरऑल कवर हो नहीं पाया। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि जब हमारी ट्रिप पूरी हो जाएगी ना, ट्रिप रहेगी हमारी अप्रोक्सीमेट 200 किलोमीटर की, तो हम पूरे 200 किलोमीटर का भी दिखाएंगे आपको, और 200 किलोमीटर जाने तक की जो कॉन्टिन्यूस अपडेट है ना वो हम आपको देते रहेंगे कि भाई 200 किलोमीटर तक हमारा कितना जो रनिंग एवरेज है वो चल रहा है। तो इसलिए अभी हम आपको भाई 50 किलोमीटर हुआ है पूरी अपडेट तो दे नहीं सकते,
तो मैंने कहा चलते चलते ही बताएंगे बाकी की जो भी रहेगी, और अगर ये मेरे दिमाग में पहले आता तो मैं फिर घर से रीसेट करके चलता। तो खैर वो तो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, ट्रिप तो बहुत लंबी है यार, आराम से चलेंगे, आराम से करेंगे, बहुत टाइम है भाई, ठंड हो रखी है, एक नंबर की पूछो मत, खेतों के नजारे देखो आप। पर यार एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम मुरादाबाद से आते हैं ना, गढ़गंगा के बाद में शिवा ढाबा पड़ता है, जो उसकी चाय का टेस्ट है ना वो नहीं मिला यार यहाँ पे। अब पता नहीं क्या था क्या नहीं था, पर उसकी चाय का टेस्ट अलग ही है, वो वाला स्वाद नहीं मिला, ऐसा लगता है बिल्कुल कि इतनी पकाई हुई है कि अलग ही टेस्ट आता है यार उस वाली का। अभी एवरेज देखो आप, 117.8 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और अभी जो एवरेज आ रहा है निकल के वो आ रहा है 21.8 का। भाई साहब आप देख रहे हो, मतलब एवरेज मतलब दिल जीत लेगी ये। भाई ये वाला जो स्ट्रेच था ना, इस पे गाड़ी मैंने थोड़ी सी रफ ड्राइव की थी, मैं गाड़ी 100 या 100 से ऊपर ही चला रहा था, थोड़ी सी मैंने गाड़ी खींच के चलाई है, उसके बाद भी एवरेज बढ़िया आ रहा है। भाई अभी आप देखो हमारी ट्रिप हो चुकी है पूरी, ट्रिप रही 192 किलोमीटर की, 192.7 ऑलमोस्ट 193 है, हम ये कह सकते हैं 200 किलोमीटर के अप्रोक्स हम चले हैं। तो भाई 200 किलोमीटर में आप देखो गाड़ी की एवरेज 20.5 kmpl और 5 घंटे ड्राइव है, तो इससे आप भाई एवरेज स्पीड भी समझ जाओगे अप्रोक्सली भाई 40 के आसपास की हमारी एवरेज स्पीड रही है। तो भाई मैंने सब तरीके से ड्राइव की, आराम से भी वैसे भी, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा ज्यादा पोर्शन जो ड्राइविंग का था वो थोड़ा इजी था, मतलब इजी ड्राइव की मैंने, कोई इतनी रैश ड्राइविंग नहीं की, तो फिर भी इसके ओवरऑल भाई थम्स अप है मेरी तरफ से। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ घर पे, तो यार फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नई चीज के साथ में, बाय बाय।